डॉक्टर साहब कह रहे थे तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, लेकिन तुम्हें इलाज के लिए कुछ रोज यहीं रहना होगा। मुझे यहीं रहना होगा? अब्दुल्ला भी तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम? मुझे अपने घर जाना है। इसी वक्त? इतने खुदगर्ज न बनो, मेरे घर वाले मेरी तरफ से कितने परेशान होंगे। तो फिर कब आओगे? मैं कल सवेरे ही आ जाऊंगी। आशा, बस तुम यूं ही मुस्कुराती रहो, तुम्हारी इसी मुस्कुराहट ने मुझे अब तक जिंदा रखा है और मैं इसी के सहारे जीना चाहता हूं। मेरी तरफ देखो आशा, तुम मेरी सारी कायनात हो, मेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तुम बसती हो, मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल है, मेरे दिल में सिर्फ एक तस्वीर है, मेरी रूह की गहराई में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, आशा आशा आशा। तुम्हें इसका अंदाजा है कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं जानता, सिर्फ तुम्ही को जानता हूं और तुम्ही से प्यार करता हूं। क्या आशा तुम मुझसे प्यार करती हो? इतना कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तुम मुझसे हमेशा इसी तरह प्यार करती रहोगी ना आशा? हमेशा इसी तरह? कभी भूलोगी तो नहीं? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप यही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। इंसान मोहब्बत के हाथों कितना मजबूर हो जाता है आशा। मैं ये मजबूरी खूब जानती हूँ, मुझे जाने दो। कल कितने बजे आओगी? 9 बजे। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता रहूंगा। मैंने कहा जरा प्यार दिखाना। आशा नहीं, 15,000 रुपए वापस आए हैं। आशा अब नहीं आएगी, मैंने तुमसे कहा ना, वो मजबूर है, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो तुम्हारी ही खातिर ये सब बातें तुम्हें पहले नहीं बता सकी। मैं ये कहता हूं कि वादी में चारों तरफ कबाली फैले हुए थे और ये लड़की, मैं कैसे मान लूं कि ये लड़की पवित्र है? मैं कहती हूं उसकी सास होकर के ये लड़की पवित्र है। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हो? याद रखो, आशा को अपनाने से इनकार किया तो सारी दुनिया का किचल तुम्हारे पर पड़ेगा। लोग यही कहेंगे, लो वो डॉक्टर की बहू है जिसका कोई ठा ठिकाना नहीं है। लेकिन मैंने बहू को बहू मानने से कब इनकार किया है? मेरा मतलब है कि एक सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ, सो आपस की बात समझ बस कर। बस छोड़ो आपस की बातें, अब कुछ काम की बात कीजिए। बड़े भाई साहब सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आप क्या करना चाहिए। बहन जी, हम गरीबों ने और क्या कहना है सिवाय इसके कि जो बेटी हमें जान से प्यारी है वो आज हमारे लिए बोझ बन गई है, सो इसे अपनी दया का आसरा दीजिए और ले जाइए अपने घर। अच्छा तो लाला जी, डोली के लिए कल सवेरे का मुहूर्त कैसा रहेगा? लड़की आप ही की है डॉक्टर साहब। तो ये बात तय हुई कि कल सवेरे हम आएंगे और डोली में बहू को ले जाएंगे। खोज मजनू, तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम क्या करेंगे नाम जानकर आप खान साहब? खोज बिरादर, तुम करता क्या है, रहता किधर है? रहते थे किसी के दिल में, लेकिन अब वहां से भी निकाल दिए गए। बिरादर, जमाने में वफा किसी ने नहीं देखी, भूल जाओ उसको जो तुम्हें इस वक्त याद आ रही है, कहीं और दिल लगा लो। दिल लगा लूं उसे मैं कैसे भूलूं, जिसके सिवाय मुझे कुछ याद नहीं आता। अरे वो कौन सी लैला थी
जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर भाग गई। वल्ला कोई बहुत ही जालिम लड़की। खान साहब, उसे जालिम न कहो, वो मजबूर थी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे पहले ना बता सकी, पहले ना बता सकी, पहले ना बता सकी। अब्दुल्ला कैसे है वो, और उनका इलाज? इलाज शुरू ही कब हुआ था? वो तो चला गया। आपा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या, या तुमने उसे कुछ कह दिया था? बताओ आपा, बोलो ना। आपा, ये सोचने का वक्त नहीं, उठो चलो मेरे साथ, हम दोनों उसे ढूंढ निकालते हैं। अब्दुल्ला, मैं मजबूर हूँ, बेबस और बंधी हुई हूँ, तुम उसके दोस्त मेरे भाई बनकर जाओ, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जब मिले उनसे कहना आशा ने अपने मरे की कसम दी है, उसे इलाज जरूर करवाना पड़ेगा। जाओ अब्दुल्ला, जाओ जल्दी जाओ अब्दुल्ला, और जल्द उनकी खबर ले आना। इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। काशी से कुछ गरज थी ना काबे से वास्ता, हम ढूंढने चले थे मोहब्बत का रास्ता, देखा तुम्हारे दर को तो सर को झुका दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। दिल की लगी ने कर दिया दोनों को बेकरार, दोहरा के दास्ताने मोहब्बत फिर एक बार, मजनू हमें और आपको लैला बना दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। निकले तेरी तलाश में और खुद ही खो गए, कुछ बन पड़ी ना हमसे तो दीवाने हो गए, दीवानगी ने फिर तेरा कूचा दिखा दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। जलवों की भीख फेंकने वाले की खैर हो, पर्दा हटा के देखने वाले की खैर हो, बन के भिखारी इश्क ने दामन
बिछा दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया हमको तुम्हारे इश्क ने, क्या क्या बना दिया। क्या हुआ मुझे शादी से बचा लो, मैं उनके साथ डोली में नहीं जाऊंगी। क्या बात हुई बेटी? ताया जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ ताया जी, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। ताया जी मुझे बचा लो, ताया जी मुझे बचा लो। नहीं बेटी, अब मैं तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि तू अब शादीशुदा लड़की है। आप शादी को शादी कहते हैं ताया जी, और मुझे ऐसे भागन को दुल्हन जिसके ससुर और पति उसे घसीट कर कमरे में ले गए और वहां उसका हर गहना उतार लिया। एक लाजवंती से सोने का कंठा बेहतर है, ये उतार लो। दो घरों की लाज से कानों की दो बालियां ज्यादा कीमती है, ये भी उतार लो। जिस धर्म का नाम शादी है उससे ज्यादा पांव में पड़ी हुई चांचरे कहीं ऊंची है, इन्हें भी लूट लो। और फिर एक नई नवेली दुल्हन को तकदीर के हवाले करके भागो और अपनी जान बचाओ, इसे आप शादी कहते हैं ताया जी? उन जालिमों ने ये सलूक किया तेरे साथ और तूने मुझे अभी तक नहीं बताया? हाँ ताया जी, ये सब होने के बाद भी मैं खून का घूंट पीकर खामोश रही। मुझे अगर मालूम होता कि यही उठाई गिरा आज मेरी पवित्रता पर शक करेगा, किसी के सामने आपको भिखारी की तरह भीख मांगनी पड़ेगी, तो मैं उसी समय कह देती कि सिर्फ ब्याह मंडप में पहुंच जाने का नाम शादी नहीं होता। डॉक्टर साहब, जो अपनी पत्नी की रक्षा न करे वो पति कैसा, जो अपनी बहू के बजाय उसके गहने लेकर भाग जाए वो ससुर कैसा, और फिर ताया जी कन्यादान किसने किया था और फेरे भी कब हुए थे? कन्यादान किसने किया था और फेरे कब हुए? जरूर डॉक्टर साहब, जरूर। लो, हमारी तरफ से अपने लागियों को दे दो। ठहरो, ये पैसे इनके वापस कर दो नहीं जान। ये तो वारने के पैसे हैं, इसे हम वापस किस मुंह से ले सकते हैं भाई साहब? जिस मुंह से आपने उड़ी में इस बेसहारा लड़की के तन से एक एक गहना उतरवा लिया था डॉक्टर साहब, उसी मुंह से ये अपने पैसे लीजिए और रास्ता नापिए। पिताजी, ये हमारी सख्त बेइज्जती है। भाई साहब, ये अचानक आपको क्या पागलपन सूझा है? वो पागलपन जिसका नाम सच है। चल बैठ। ये मेरी बदनसीबी तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ, मेरी ससुराल वाले इतने जलील और घटिया किस्म के आदमी है, इन्हें बात तक करने की तमीज नहीं। काश के शादी से पहले मुझे इसका इल्म हो जाता। मैं कहता हूँ भाई साहब, आप इस मामले में मत आइए। दफा हो जा दुनी चंद, मैं कहता हूँ मेरे सामने से, आज मैं कच्चा चबा जाऊंगा उसे जो मेरे सामने आया, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। हाँ तो डॉक्टर साहब, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आपके लड़के की शादी इस लड़की से नहीं हुई, तो इस वक्त मैं इस झूठ और दगाबाजी को हरगिज नहीं मानूंगा। शास्त्री जी, जी जरा यहाँ आइए, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, इन्होंने ही मेरे बेटे की शादी करवाई थी। बोलिए पंडित जी, ये कहते हैं आपने शादी करवाई थी। जहाँ तक शास्त्रों का संबंध है, शादी की रस्में पूरी नहीं हुई थी। क्यों, क्या कोई एकाध मंत्र बाकी रह गया था क्या? जी नहीं, शादी हुई नहीं थी, क्योंकि ना फेरे लगा सके थे ना कन्यादान ही किया गया था। ये तो आपका कहना है, लेकिन दुनिया का क्या कहना है जानते हो? दुनिया का कहना है कि मेरे बेटे के साथ इन दो घटिया और कमीने इंसानों की भतीजी की शादी हो चुकी है। मुझे भी दुनिया के साथ समझिए डॉक्टर जी, आपके साथ। अपने बुजुर्गों की सारी नेक नामी मिट्टी में मिला रहा है अब आगे, और वो भी थोड़े से फायदे के लिए, जाके कहीं डूब मर। हाँ जी, ये शहर के दो विद्वान पंडित हैं, इनकी बात का जवाब दो।
शादी की बड़ी बड़ी रस्में फेरे और कन्यादान में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ आशा मेरी बीवी है और अगर वो डोली में बैठकर मेरे साथ नहीं गई तो मैं यह दबाही मचा दूंगा। भाई साहब हम सब इतनी धूमधाम से अगर यहाँ डोली लेने आए हैं तो ऐसे तुम दबा कर थोड़ी भाग जाएंगे। बिल्कुल ये क्या अंधेर हो रहा है? दुनिचंद ये शादी तुम्हारे कहने से की गई थी इसलिए शराफत से आगे बढ़ो और बहू को डोली में बैठा दो। जरूर डॉक्टर जी जरूर अभी बिठाता हूँ। चल बेटी पहले अपने भाई का खून कर ले फिर हाथ लगाना मेरी बेटी को। हट जाइए भाई साहब ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है पाप है। एक पाप तू भी कर ले मेरे अजीज उठा लाठी और फोड़ दे अपने भाई का सर देखता क्या है नीच उठा फोड़ मेरा सर। ये नहीं फोड़ता है तो मैं फोड़ता हूँ। अब बोल ये लड़की जाएगी या नहीं हमारे साथ? नहीं जाएगी। तुम जहाँ से कसाई होगा अगर हमारी बेटी नहीं जाएगी तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ वरना ये जलील और बेगैर डॉक्टर तो क्या तुम सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया तब तूने चल जाओ समझे। आशा मेरी बच्ची अपने चाचा को माफ कर दे। चाचा को नहीं पिता को। आज तूने इस यतीम बच्ची के पिता की जगह ले ली है दुनीचंद। सोमावंती तू भी गले लगा अपनी बच्ची को ये तेरी भी बेटी है। मेरी बच्ची सुखी रहो मेरी बेटी।